भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 82 रनों से मात देते हुए मुकाबला अपने नाम किया और सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन लगाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम मुकाबले में 87 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत के लिए इस मैच में दिनेश कार्तिक सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने शानदार 55 रनों की पारी खेलते हुए टीम को विजेता बना दिया। लेकिन इस मैच में भारतीय पारी के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अनुमान अभी तक कोई भी नहीं लगा पा रहा है कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल में हुआ यूं कि जब दिनेश कार्तिक अपनी पारी खेलकर मैदान में फील्डिंग करने के लिए तैयार हुए तो उस दौरान उनके साथ बातचीत की गई, लेकिन उस बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने मैच प्रसारक के साथ बातचीत की, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान वो अचानक रुक गए और ऊपर की तरफ देखने लगे। दिनेश कार्तिक ने जैसे ही ऊपर देखा उनका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी किस्म की प्रतिक्रिया है। उसके बाद कार्तिक 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर से बातचीत शुरू की और बोले कि माफ करना, मुझे लगा गेंद इस तरफ आ रही है। उनका ये छोटा सा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने 55 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने मात्र 27 गेंदों का सामना किया। जब भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में थी तब उन्होंने भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि ये दिनेश कार्तिक के करियर का पहला 50 है। उन्होंने अपने 16 साल के लंबे T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में ये पहला अर्धशतक लगाया है। 16 साल के लंबे अंतराल के बाद अर्धशतक लगाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिनेश कार्तिक पहले बल्लेबाज हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।